नहीं भेजे समझ गए। अभी देखिए आज की तारीख में स्वास्थ्य में से कोई कमाई है? स्वस्थ आदमी के पास से कोई कमा सकता है? हाँ, मरे हुए आदमी के पास से कुछ कमाया जा सकता है? तो किसके पास से कमाया जा सकता है? जो जिंदा है, मरा नहीं है, बीमार है, उसके पास से जितनी चाहिए उतनी कमाई कर सकते हो। वो जूसर से डाल के जितना जूस है आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? गन्ने का जूस निकल गया, बाद में क्या करते हैं? छिलके का क्या करते हैं? आपका मेडिक्लेम खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे? मेडिक्लेम का जितना जूस है निकाल लेते हैं, फिर भी कुछ बचा नहीं। डॉक्टर साहब मेरा घर बाकी है, मेरे गहने बाकी है, चला लेते, वो भी जूसर पे डाल देते हैं, जूस निकल जाएगा, बाद में बोलेंगे अभी तुम थकते रहना, भगवान से प्रार्थना करना। समझ रहे हो? देखिए मैं इनसे आगे इसमें नहीं हूँ, लेकिन ओरिएंटेशन गलत है। जिस दिन से हम हेल्थ में से कमाई करवाएंगे किसी की, मैं स्वस्थ हूँ इसलिए पैसे देता हूँ, क्यों देता हूँ? बीमार है इसलिए नहीं देता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है इसलिए मैं पैसे देता हूँ। तो डॉक्टर क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको स्वस्थ रखेंगे या बीमार करेंगे? तो स्वास्थ्य के पैसे दो। कोई डॉक्टर को जाके बोले डॉक्टर साहब मैं एक साल से बीमार नहीं हुआ हूं इसलिए आपको पैसे देता हूं, कैसा लगेगा वो डॉक्टर को? 440 रुपए का झटका लगेगा कि नहीं? अरे बीमार आदमी पैसा देता है, ये तो स्वस्थ आदमी आके पैसा देता है, कुछ ना कुछ सोचेगा कि नहीं? डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में से कोई भी बीमार ना हो उसका इलाज बताइए, क्या बोलना चाहिए? हम लोग बीमार होने के बाद आते हैं, हमको बीमार नहीं होना है, उसके लिए क्या करना है वो बताइए। तो क्या होगा? ये शिविर में हम लोग नहीं खड़े होंगे, कौन होगा? वही डॉक्टर लोग यही शिविर करेंगे, गली के नुक्कड़ में करेंगे। आप किसी को यूपी से, किसी को महाराष्ट्र से, किसी को इधर उधर से आने की जरूरत नहीं है। आपकी गली नुक्कड़ में भी यही टाइप के सेमिनार्स हो सकते हैं, जहाँ आपको स्वास्थ्य का रहस्य बताया जाएगा। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वो भी कुदरत के नियम से आपको जोड़ देंगे, क्योंकि उनकी कमाई किसमें से है? किसमें से है? अभी हम किसमें से कन्वर्ट करेंगे? हेल्थ में से। डॉक्टर मैं बीमार हो गया तो आपका खर्चा, नहीं हुआ बीमार तो सभी प्रॉफिट आपका। मेडिक्लेम में देते हो ना पैसा, बीमार नहीं हुआ तो क्या है, कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। मेडिक्लेम को भी वसूल करने के लिए बीमार होना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या बोलना है डॉक्टर को, तो जो मेडिक्लेम का पैसा मैं आपको दे देता हूँ, अगर मैं बीमार हो गया तो आपको करना है, नहीं है तो पूरा पैसा आपका। कितना, 15-20-25 हजार रुपया आपका मेडिक्लेम में जाता होगा कि नहीं? बोला डॉक्टर साहब ये 25 हजार का मेडिक्लेम का पैसा मैंने आपको दे दिया, अभी मुझे स्वस्थ रखने की जवाबदारी आपकी। अगर मैं बीमार हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन से लेके ये लेके ले लेके आप मेरे पार्टनर, बीमारी में आप मेरे पार्टनर, स्वास्थ्य पूरा प्रॉफिट आपका। क्या होगा, क्या होगा? बीमारियां कम होगी कि नहीं? गलत दवाइयां, गलत रिपोर्ट कम हो जाएंगी कि नहीं? समझ रहे हैं? ट्राई करके देख लेना। पैदा हुए इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, मरे तो भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, यस और नो? और इन दोनों के जन्म और मौत के बीच में कितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं? कई बार जाके आते हैं, बराबर है क्या? इतनी इमरजेंसियां हर एक जीव की लाइफ में आती है। 84 लाख में मनुष्य छोड़ के किसी ने अस्पताल बनाए, दवाइयां बनाई, ऑपरेशंस करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, वो कैसे जीते हैं? उनसे कुछ समझ के हमको जीना पड़ेगा।
इतनी सारी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको हमें बचना चाहिए। क्लियर? बोतलों में, गोलियों में या इंजेक्शन में, दवाओं में हमेशा नहीं पाई जा सकती। क्या समझे? आपको जो भी इलाज चाहिए वो बोतलों में, गोलियों में, इंजेक्शन में, दवाइयों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ दवाई कौन सी है? डिटॉक्सिफिकेशन है, जंक फूड छोड़ना है, उपवास करना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, हंसना है, सब्जियां और फल खाना है, अच्छी नींद लेना है, धूप में थोड़ा घूमना है, कृतज्ञता का भाव अपने साथ रखना है, प्रेम का भाव रखना है, दोस्तों के साथ मिलना है, ध्यान करना है, निडर बनना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, व्यायाम करना है, सभी जीवों के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, सुनना बोलना और बांटना चाहिए, स्वीकार भाव होना चाहिए और वर्तमान क्षणों में जीने की आदत, यही श्रेष्ठ है। वर्तमान में जीना पड़ेगा, भूत और भविष्य में हम जीते हैं तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? Yes. प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है जन्म से लेकर अंत तक की, समाधि मृत्यु तक की। समाधि मृत्यु किसको कहते हैं? समाधि मृत्यु किसको कहते हैं? नाम से मृत्यु। हाँ, नाम से मृत्यु। होश पूर्वक मरने को। और मौत की कोई भी पीड़ा का अनुभव न, जाना है जाना है, खत्म हो गया, मैं निकलता हूँ, हेल्दी एग्जिट, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अफसोस नहीं। अगर ऐसा होता है, अभी आपका पूरा काम हो गया और निकल गए, कोई अफसोस है? लेकिन कुछ काम बाकी है और आपको निकलना पड़ा तो अफसोस रहेगा कि नहीं? बिना अफसोस सब काम होने के बाद में एकदम सुकून से आप जाते हैं, उसको समाधि मृत्यु कहते हैं। तो करना क्या है? हमें प्रकृति के नियम समझने हैं। उसको समझने के लिए हम कुदरत को समझ सकते हैं या हमारे शास्त्र का शुद्ध रूप में सही अर्थघटन कर सकते हैं। क्लियर? जो शास्त्रों का अर्थघटन बोलेंगे तो डिफिकल्ट बात है, प्रकृति को समझना आसान चीज है। प्रकृति के नियम बदलते नहीं है, 5000 साल पहले जो नियम थे आज भी वही है, आने वाले 5000 साल के बाद भी नियम वही रहेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों तो लिखे थे कई लैंग्वेज में, अभी उन्होंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, वो भाषा को डिकोड करो, सब सबके लिए आसान नहीं है। उससे अच्छा है हम खुद अपनी अपनी गीता लिखे, अपने अपने शास्त्र को लिखे। क्लियर? तो हमारा अनुभव ही हमारी गीता है, या बाइबल है, या कुरान है, या आगम है, जो भी कहो। क्लियर? हमारा शरीर जो है अपने आप से कंस्ट्रक्शन करता है, होता है कि नहीं? माँ के पेट में 2 सेल मिलते हैं कि नहीं? XY क्रोमोसोम्स होते हैं कि नहीं? उसमें से एक पूरा बच्चा बनता है कि नहीं? 2.5-3 किलो का अपने आप से कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं? बाहर आने के बाद में भी वो बढ़ते जाता है, वो खुद अपने बचाव करता है कि नहीं? अपना रिपेयरिंग खुद करता है कि नहीं? खुद को कंट्रोल करता है कि नहीं? खुद की हीलिंग करता है कि नहीं? वो सभी चीज अपने आप से करेगा अगर हम प्राकृतिक तरीके से रहेंगे तो। सब संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है हमें स्वस्थ रहने के लिए, बाहर की जरूरत कोई भी नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, बाहर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोई भी कारण से हमारे में धीरज नहीं है,
या कोई भी कारण है, भय के वश हम बाहर की मदद बार बार लेंगे, बार बार लेंगे, तो अंदर की सिस्टम कमजोर हो जाएगी, फिर अंदर की सिस्टम काम नहीं करेंगे और फिर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे और फिर अनेक बीमारियों से ग्रसित होके हमें दुखदायी और पीड़ादायी मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? क्योर कहां से करना है, बाहर से या अंदर से? हाँ, अंदर की समय अंदर झाड़ू कैसे मरे हुए? हाँ, पानी से। हेल्थ एंड डिजीज रिवर्सल दवाइयों से करने हैं या डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके करनी है? समझ गए? अभी देखिए, एक जो है आदमी मजा के लिए खाता है, कितने लंच पड़े हैं अंदर? लंच दो पड़े हैं ना, डिनर कितने पड़े हैं, ब्रेकफास्ट कितने पड़े हैं, बराबर है? नीचे से कुछ निकलता नहीं और ऊपर से वो ठोक रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है। अभी ये आदमी स्वस्थ रह सकता है? अंदर सड़ेगा तो बीमार होगा। और उसके बाजू में देखिए, लंच निकलने की तैयारी में है, डिनर अभी जस्ट आ चुका है, बाकी का पेट खाली है। क्या है सही? कौन है तो में से सही कौन है? हाँ? क्या अरे उसमें तो पेट खाली है, लेकिन आपने तो बोला ना पेट भरना चाहिए, पेट भरने के लिए है। पेट खाली रखने के लिए है या भरने के लिए है? हाँ, कौन बोला खाली रखने के लिए है? आपको तो खुद नीचे जा रहे हैं, हाथ दे 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 से करें। कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। पेट खाली रखने की किस चीज है या भरने की? हाँ, हर कोई अपने लिए बोले, दूसरे की चिंता मत करें। देखिए, एक हमारी मान्यता है पेट भरने की चीज है, पेट तो भरना चाहिए, पेट खाली रखेंगे तो क्या फायदे हैं और पेट भर देंगे तो क्या नुकसान है, वो भी आपको समझना चाहिए। आप टाटा बिरला अंबानी हो या अदानी हो, अगर आपने आपकी पेट को अमीरी दिखा दी तो क्या होगा? पेट को अमीरी दिखाई तो क्या होगा? बराबर है, इतना ब्रह्म ज्ञान मिल गया है ना, तो पेट को खाली रखने की आदत डालिए। आपको जो है जरूरत से कम खाना है, पेट को खाली रखेंगे। पेट को क्या दिखाना है? गरीबी दिखानी है। क्या दिखाना है? पेट को बोलना मैं तो बहुत गरीब हूं। अभी जो हरीश भाई जो खिलाएंगे पिलाएंगे और ले लेंगे, शाम को जब भी देंगे तो भी सोच पेट खाली रखेंगे। कर सकते हैं? yes. तो पेट को गरीबी दिखा सकते हैं? yes. पेट को खाली रख सकते हैं? yes. तो क्या होगा? पेट को थोड़ा गरीबी दिखाया तो पेट सफाई में लग जाएगा, कचरा निकालने की मेहनत करेगा। पेट को अगर हमने आपकी अमीरी दिखा दी तो उसको सफाई का वक्त नहीं मिलता है, और सफाई नहीं है मतलब अंदर कचरा पड़ा रहता है, सड़ता है, और सड़ने के कारण अनेक बीमारियां होती है। समझ गए? सभी धर्मों में जो लिखा है, सूर्योदय के बाद खाना खाओ, सूर्यास्त के पहले खाना बंद करो। तब के वक्त चलो भाई सूर्य लाइट भी नहीं थी, लेकिन एक एंगल से देखे तो खाने का टाइम अगर हम कम रखें और उसमें भी कम क्वांटिटी में खाएं
तो होगा क्या, पाचन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा तो शोषण अच्छा होगा, तो मल निष्कर्षण अच्छा होगा, मल निष्कर्षण होगा तो कचरा नहीं है बॉडी में, बहुत कम है, तो आपकी बची हुई ऊर्जा कहाँ पे लगेगी? बची हुई ऊर्जा जो है आपके आध्यात्मिक विकास में लगेगी, आपके मन की शुद्धि में लगेगी, आपका स्वभाव बदलेगा, समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप एनडीएस करते हो आपको सब पहले से कम हो गया, आपका जो डर था वो कम हो गया, आपकी वासनाएं कम हो गई, आप अनुभव करोगे, समझ रहे हैं? क्योंकि जो एनर्जी डाइजेशन में और एक्सक्रीशन में जाती थी, वेस्ट होती थी, वो बच गई, और वो बची हुई एनर्जी जो है वो आपको सद्गुणों की ओर लेके जाएगी। आप बहुत ही भारी खुराक खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, मसाला वाला खाएंगे, पचने में भारी खुराक लेंगे, गरिष्ठ खुराक लेंगे, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसमें खत्म हो जाएगी, और पूरी ऊर्जा होने के बाद में आपके पास सात्विक ऊर्जा भी बची नहीं, तो आपके विकार जो है, विकार वाले विकार जो है सभी उभर के बाहर आएंगे, आप कमजोर बन जाएंगे और आपको आपके खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? बहुत डीप चीज बताई है, कोई बता सकता मैंने क्या बताया? कोई रिपीट कर सकता है? बहुत ही गंभीर चीज मैं बताया हूं, जिसको लगता है कि मैं समझाऊं खड़ा हो जाए, तो खड़ा होने को बोला तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, खड़ा होके बोलने का, खड़ा होने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, खड़ा होके बोलने को बोला तो कोई नहीं। क्या बताया था मैंने? इधर आ जाए, इधर हमें पेट में उतना ही भोजन करना चाहिए जितने की हमारे को जरूरत हो, ज्यादा से ज्यादा उसको खाली रखने के अभ्यास में रहना चाहिए। अगर ज्यादा भर देंगे तो वो हमारी ऊर्जा दूसरे वासना और विकारों में चली जाएगी, लेकिन जो खाली पेट रहेगा ऊर्जा बची रहेगी, उससे हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होगा और हम ईश्वर के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकेंगे। मैं फिर से थोड़ा करेक्शन करके बोलता हूँ, अगर हम पेट को खाली रखेंगे तो और सुपाच्य खुराक लेंगे तो शरीर को पचाने में बहुत कम ऊर्जा लगेगी, मल निष्कासन में भी बहुत कम ऊर्जा लगेगी, तो बची हुई ऊर्जा जो है शरीर की सफाई करेगी, शरीर के बाद मन की सफाई करेगी, हमारे में जो विकार वासनाएं हैं, जो विकृतियां हैं, वो धीरे 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 अपने आप से कमजोर हो जाएगी। लेकिन हम बारीक खुराक खाएंगे, गरिष्ठ भोजन खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, मसालेदार खाएंगे, न खाने की चीज खाएंगे, जो पचने में डिफिकल्ट है, जैसे एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है, अनाज है, वो सब खाएंगे, तो हमारी शक्ति का बहुत व्यय होगा और मसालों की वजह से बहुत टेस्टी होता है तो ओवर ईटिंग होता है, तो हमारी जितनी भी ऊर्जा है वो खाने में, पचाने में और मल निष्कर्षण में खत्म हो जाती है, या तो वहाँ भी पूरी नहीं होती है, तो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। और जब ऊर्जा कम पड़ती है तब ये हमारी विकार वासनाएं उभर के आती है और जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आज देखिए जो समाज में इतने सारे दूषण है उसका कारण है गलत खुराक, गलत लाइफस्टाइल, ये बहुत ही गंभीर चीज है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा। आप सभी स्नान कितनी बार करते हैं? एक बार दो बार। ब्रश कितनी बार करते हैं? एक बार दो बार, बराबर है। पसीना नहीं आया तो भी स्नान करते हैं ना, जरूर थी क्या, फिर भी आपने साबुन से स्नान किया, बराबर है। मेकअप वेकअप करते हो ना, स्प्रे शैम्पू ये वो वगैरह डिओड्रेंट वगैरह डालते हैं ना, बराबर है। अभी सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ होती है? कहाँ होती है सबसे ज्यादा गंदगी? हाँ, किसमें? पेट में। देखिए ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारी जो बड़ी आंत है जिसको हम कोलन बोलते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, वो शुद्ध रूप में कैसी होती है
और गलत खान पान और गलत व्यवस्था के कारण उसको कितनी गलतियां, कौन सी बीमारियां आती है। देखिए ये देखिए शुद्ध इंटेस्टाइन इतनी क्लीन होती है, देखिए कितना भगवान ने क्लीन दिया है। अभी देखिए एक 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 बीमारियां क्या क्या होती है, देखो गंध के अंदर कितनी चिटकती है, ये दूसरों को नहीं दिखती है ना, इसलिए चलता है। देखिए गंध की मारने की दवाई ले लेते हैं, लेकिन कीड़े आए क्यों वो सोचते नहीं कि अंदर कचरा पड़ा है। ये देखिए अंदर बीमारियां कैसे है, गंदगी कितनी है, दिख रहा है क्या? ओ भाई साहब अभी देखिए एनिमल क्यों लेना चाहिए, कर दिया हमने। ये ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया कि नहीं, सभी जगह ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं, आपके समाज में देख लो कितने घर में ब्रेस्ट कैंसर है, देखिए कितनी गंध के अंदर अंदर जमा हुई है। काला काला अंदर हो चुका है, बाहर से मेकअप करते हैं पूरा, मेकअप अंदर का करो, अंदर का मेकअप करने के लिए एनिमा लेना है, क्लियर, फास्टिंग करना है और ग्रीन जूस लेना है, समझ में आते हैं? अभी जब हम बीमार होते हैं, ये एनिमा वालों के लिए आप सब ध्यान से देख लीजिए, जब मैं बीमार होता हूँ तभी रास्ता कैसा है, टूटी फूटी स्टेयरकेस जैसा होता है, मेरी इच्छा है कि कुछ रेड कारपेट जैसा हो जाए, लेकिन एक बार डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद ये रास्ता कैसा लगता है, कैसा है ये रास्ता? हाँ क्या है ये रास्ता, तीसरा किसका है, आफ्टर डिटॉक्स क्या है रास्ता, कैसा दिखता है? हाँ स्वर्ग की सीढ़ी लग रहा है ना, अभी कितनों ने एनिमल नहीं लिया, कितनों ने नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया वो स्वर्ग की सीढ़ी से चुके हैं, समझ गए? तो चालू करो धीरे 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 धीरे, आपका स्वर्ग आपके नजदीक आएगा, क्लियर? तो फाइन अभी ब्रेक लेते हैं, हरीश भाई जब भी बोले।